बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जर्जर भवन में पढ़ने को विवश है छात्र छात्राएं, हादसा की आशंका। जिला परिषद ने विद्यालय के जर्जर भवन का किया निरीक्षण। उत्तर तेगरा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पकठौल में अवस्थित सन 1985 में स्थापित एकमात्र वित्त रहित इंदिरा ज्योति उच्च विद्यालय जो सरकारी सुविधा की बाट जोते आ रही है, इस बड़े क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से यह ज्ञान का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिस विद्यालय में नवम एवं दसम वर्ग के 450 से अधिक छात्र छात्राओं का पठन पाठन की जा रही है, लेकिन छात्र छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्ष एवं खेल सामग्री का अभाव के कारण शिक्षण कार्य एवं छात्र छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मंटुन यादव के द्वारा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के जिला परिषद सदस्य प्रवीण शेखर को विद्यालय निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया, जिस पर जिला परिषद प्रवीण शेखर ने अपने समर्थकों के साथ विद्यालय पहुंचा और स्कूल भवन का निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के 4 कमरा जो क्षतिग्रस्त स्थिति में देखा गया, जो कभी भी बड़ी हादसा का रूप ले सकता है। निरीक्षण के दौरान नवम एवं दसम वर्ग के छात्र छात्राओं से संवाद किया। बच्चों ने जिला परिषद से खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की। जिला परिषद प्रवीण शेखर ने बच्चों को बहुत जल्द ही खेल सामग्री, वॉलीबॉल, चेस एवं कैरम बोर्ड उपलब्ध करवाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कमरा निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि किस विद्यालय में 3 एकड़ से अधिक भूमि है जो माननीय राज्यपाल के नाम से निबंधित है, लेकिन वर्तमान समय में विद्यालय के कुछ जमीनों पर अतिक्रमणकारियों ने भी कब्जा जमा रखा है, जिससे बच्चों को खेलने एवं विभिन्न तरह की समस्या पैदा हो गई है। मौके पर मुखिया पंकज कुमार, शिक्षक मंजेश कुमार, सहदेव कुमार चरसिया, संतोष कुमार, ममता कुमारी, श्वेता कुमारी, अनिल कुमार, संजय कुमार, ओंकार झा, संजय शाह, प्रभंजन कुमार एवं राजीव कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बताइए, आज मांग पत्र जिला परिषद महोदय को दिए, किस क्या मांग है आपका? आज हमारे जिले के जिला परिषद महोदय प्रवीण शेखर बाबू हमारे विद्यालय में पधारे। इस विद्यालय परिवार की ओर से उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो 7,48,800 रुपये प्राकृत राशि है उसे शौचालय का निर्माण हुआ। इसके साथ ही श्रीमान जी को निवेदन करते हुए यह आग्रह कर रहा हूँ कि हमारा ये 4 खपरेल रूम जो बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है, बच्चे को उसमें हम पढ़ा नहीं सकते हैं, किसी तरह से हम चला रहे हैं और क्लास में बच्चे को बैठा करके, इन्हें 4 बच्चे एक बेंच पर बैठा करके हम चला रहे हैं। हम यह 4 रूम और खेल सामग्री जैसे चेस हो जाए और क्रीड़ा का जो सामग्री है वो सब हो जाए, श्रीमान जी से मांग करते हैं कि वो हमारे विद्यालय के दें बच्चे को, ताकि हम पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मेरा नाम मंटुन यादव है, बरौनी 2 पंचायत का मैं निवासी हूँ। यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ।